दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्वयं की कमजोरियों को तो नजरअंदाज कर जाते हैं, किंतु दूसरों की कमजोरियों पर उपहास करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वास्तविकता का अनुमान लगाए बिना वे दूसरों की कमजोरियों पर हंसते रहते हैं और अपने तीखे शब्दों के बाणों से उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, किंतु जब उन्हें यथार्थ का तमाचा पड़ता है तो सिवाय गलानी के उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। आज हम आपको एक अंधे व्यक्ति ने ब्लाइंड मैन की कहानी बता रहे हैं, जिसे ऐसे ही लोगों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जलती हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रख। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। उस शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग वान छोड़कर कहने लगे, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का क्या काम। उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोग को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दे तो मुझे बेचारे का क्या होगा। इसलिए लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझे अंधे को देख सके। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सीख कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना।